तो हम लोगों का छत पे झींगा हुआ है, और हिंदी में झींगा बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट बंगाल पे इसको झींगे बोलते हैं। तो देखिए कितना बड़ा बड़ा हुआ है। अभी इसको काटना पड़ेगा क्योंकि मम्मी आज लंच पे झींगे से कुछ सब्जी करेगी। तो यहाँ पर भी एक है, देखिए बहुत बड़ा साइज का है, और एक है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर और एक, आप लोग देख पा रहे हो, और छोटा छोटा बहुत सारा है। तो फर्स्ट टाइम छत पे हुआ है, तो अभी इसको मैं काटूंगा। और यहाँ पर देखिए बड़ा चचुंदर है। तो फिलहाल तो देखिए आज बहुत ज़्यादा धूप है और आसमान देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। देखिए फ़ोन का कैमरा से बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझको, और धूप के वजह से हो सकता है कि इतना सुंदर लग रहा है। Many, many minutes later. तो इसके लिए बोलता है ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं होना चाहिए। देखिए हालत देखिए बियर्ड का, यहाँ पर पूरा साफ कर दिया, यहाँ से लाइन चला गया, एक रोड हो गया। मुझे बहुत दिन से शौक था उल्वरिन की तरह थोड़ा बियर्ड रखूँगा, इसके लिए रेफरेंस को नहीं देख के, उल्वरिन के बियर्ड को अच्छे से नहीं देख के पूरा चला दिया ट्रिमर और पूरा कट गया। उनका यहाँ पर बियर्ड था, ऐसे करके था सब कुछ, और उनके यहाँ पर बाल था, बट मेरा तो यहाँ पर बाल ही पैदा नहीं हुआ है, तो भूरबक लग रहा हूँ अभी फिलहाल, ऐसा लग रहा है कुछ। और किसने कहा मैं लोगन नहीं हूँ, हंसना मत, ये घुसा दूंगा अंदर, बाय। तो बाहर तो आज बहुत ज़्यादा धूप है और आप लोग देख पा रहे हो, और छत भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है काफ़ी ज़्यादा, और ऊपर देखे आसमान देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, और उस दिख में थोड़ा ब्लैक बादल आ रहा है उस दिख करके वहाँ पर। तो अभी जो है इसको भी काट लूँगा यहाँ पर, और ये है मेरा बाइक, और इसके ऊपर बैठ के थोड़ा बाइक चलाऊँगा। भाई आ रहा है और कुछ फ़ोटोशूट होगा इस बाइक के ऊपर बैठ के वुल्वरिन स्टाइल पे, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से धूप भी है तो अच्छा फील आएगा। तो चलिए मेरा बाइक टेंटन एंड फिलहाल हम लोगों का फोटोशूट करना हो गया बाइक लेके। यार टिक कर, चमक छल्लो लग रहा है, चमक छल्लो। तो देखिए ये बाइक कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट पे बोलना, बहुत ही अच्छा लगा था इसके लिए मैं इसको ख़रीदा था। ये चलता भी है, दिखाता हूँ। या तो स्पीड से बाहर की देख दी, Many minutes later. तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो एक नया पप्पी जो है बीगल। तो एक मेरा भैया के घर पे है अभी, और मैं आया हूँ इसको लेने। तो मम्मी पापा तो कुछ भी नहीं जानता, भैया मेरे लिए लाया है। मुझे लगता है घर पे जब ले जाऊँगा तो बहुत बहुत कुछ धुलाई होगा मेरा, क्योंकि पहले से टॉफी है। तो इसको घर पे ले जाते हैं और देखते हैं मम्मी का रिएक्शन कैसा रहता है। तो हो सकता है डांटेगा, और अभी तो ये सो रही है, तो चलिए घर पे ले जाते हैं। तो ये है पुपैदा का कंप्यूटर रूम, यहाँ पर बच्चे लोग क्लास करने आता है, और यहाँ पर पुपैदा किसी के साथ फ़ोन में बात कर रहा है, और यहाँ पर कुछ भाई है। तो अभी पप्पी को ले जाते हैं घर पे, देखते हैं मम्मी का रिएक्शन। अभी घर पे जा रहा हूँ और नहीं जानता क्या रिएक्शन रहेगा, क्योंकि पहले से टॉफी है और एक को ले आया हूँ। अगर पापा रहेगा तो मैं पूरा ख़त्म हो गया, बट आशा करता हूँ इसको देखने के बाद थोड़ा मूड ठीक होगा, भगवान जानता है और आप लोग जानते हो। দেখাবো কি তাই নাকি
The next day. तो इसके बाद मैं तो और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा डर गया था और माथा पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गया था क्योंकि ट्रॉफी भी घर पे है और किसी को नहीं बोल के मैं लाया था तो ये तो ठीक नहीं है जानता हूँ, बट अगर बोल के लाया था तो रखने नहीं देता। बट लाने के बाद मैं रियलाइज़ किया कि घर तो मतलब ऊपर तो कोई घर नहीं है ना, तो नीचे भी जगह बहुत ज़्यादा कम है, तो अगर एक साथ दो रहेगा तो दोनों थोड़ा बहुत मारा मारी भी करता है, बट सब कुछ ठीक है। और मैं सोचा था कि पापा बहुत ज़्यादा डांटेगा मुझको, तो मम्मी तो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा हो गई थी जब सुना था कि मैं ही लाया हूँ मेरे लिए, सोचा था कि मेरा दोस्त का है। बट उस दिन ही गुस्सा था, रात में ही गुस्सा था, बट उसके नेक्स्ट डे मम्मी बोला था ठीक है रख इसको, मम्मी भी थोड़ा इसको प्यार कर रही है और रखने बोला है, और पापा तो थोड़ा भी नहीं कुछ बोला है, थोड़ा बहुत बोला है क्योंकि अचानक से ले आया हूँ, पैसा लगा है ना तो इसके लिए। बट देन मैं खुद रियलाइज़ कर रहा हूँ कि ये मतलब थोड़ा पंगा ले लिया हूँ, क्योंकि अगर ये रहेगा तो मेरा आर्ट उतना अच्छे तरीके से नहीं होगा, सारा मन इसके ऊपर ही रहेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीखता है, तो इसके लिए मतलब हर टाइम मन उसके पास चला जा रहा है और दोनों रह रहा है इसके लिए। ट्रॉफी तो बहुत ज़्यादा हल्का है, वो उसको देख के भारी लगता है, बट उसके ऊपर बाल है वो बहुत बड़ा बड़ा है, बट ट्रॉफी काफ़ी मतलब हल्का फुल्का है तो, और वो थोड़ा हेल्दी है इसके लिए ट्रॉफी को काट दे रही है और दोनों में थोड़ा फाइट हो रही है, वो जो नेचुरल होता है बच्चे में। बट मैं ड्राइंग पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, हर टाइम उन दोनों के तरफ ध्यान चला जा रहा है, रात में नहीं सो पा रहा हूँ क्योंकि दोनों का अलग अलग टॉयलेट करता है, फर्स्टली पॉटी करता है, खाने का बहुत कुछ झंझट है। मैं जिन भैया से ले आया हूँ, पुपायदा जिन मतलब जिनको मैं वीडियो पर दिखाया हूँ, तो उनको उनके साथ मेरा बात हो गया, उनके पास पहले से बॉक्सर डॉग है बहुत बड़ा, मैं एक ब्लॉग पे आप लोगों को दिखाया हूँ। तो उनके पास ही रहेगा अभी ये वाला बिगल जो पप्पी मैं नया लाया हूँ, तो मैं कल इसको उनके पास दे दूंगा, और जब 2 साल बाद या फिर 1 साल बाद जब इसका पप्पी रहे पप्पी होगा, ये फीमेल है, तो भैया मुझको दे देगा एक बिगल का पप्पी, ऐसा ही पप्पी दे देगा, क्योंकि अभी तो ट्रॉफी भी छोटा है ये भी छोटा, अगर दोनों रहेगा तो बहुत ज़्यादा मारामारी होगा, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रखने का भी जगह बहुत कम है, इसके लिए थोड़ा 1 साल बाद फिर से मैं ले लूँगा इसका पप्पी जो रहेगा, जो भैया को मैं दूँगा, उस भैया के पास बहुत ही अच्छे से डॉग रहता है, बहुत ही अच्छे से वो रख सकता है, और ऊपर भी हो सकता है घर हो जाएगा 2 साल के बाद तब ऊपर रहेगा ले लूँगा, अभी तो फ़िलहाल ट्रॉफी ठीक है। और सच बोल रहा हूँ, ये वाला जो बीगल पपी मैं आप लोगों को दिखाया हूँ बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत अच्छा है, बट बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और इसका जो जबड़ा है ना वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, नाखून बहुत ज़्यादा तेज है, तो ट्रॉफी का तबीयत ख़राब हो जा सकता है क्योंकि मारामारी फाइटिंग कर सकता है, मैं सोचा था दोनों फ्रेंड होकर रहेगा, तो यही है, और बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, मैं नॉर्मली ऐसे ही दे दूँगा भैया को, और भैया को मैं बोला हूँ मुझको पैसा नहीं चाहिए, आप इसका बेबी को मुझको दे देना, 2 साल बाद जब बेबी होगा तो मुझको वो वाला बेबी दे देना। तो अभी दोनों का आप लोग वीडियो देखेंगे, ऊपर मैं थोड़ा देर के लिए ले गया था, दोनों थोड़ा बहुत खेल रही थी, थोड़ा बहुत मारपीट भी कर रही थी, तो ये वाला वीडियो देखिए, देन ब्लॉग को एंड कर दूंगा। इस वाले ब्लॉग पे उतना कुछ नहीं था, और हो सकता है और एक ब्लॉग पे आप लोगों को बिगल पप्पी को देखने को मिलेगा, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, अगर भैया को नहीं दूंगा आज तो हो सकता है, तो ब्लॉग में इतना ही था, तो देखिए उन दोनों का फाइट और खेला। तो टॉफी गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड गर्ल, टॉफी टॉफी गुड गर्ल। तो ये है बिगल पप्पी, मैंने सोचा था कि इसका नाम दूंगा कैंडी, क्योंकि टॉफी और कैंडी सुनने में बहुत ही अच्छा लगेगी। ओए ये पोछे वाला है, टॉफी गुड गर्ल। ओए 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 ए ना ओए एक एक चुना, टॉफी टॉफी कम तो बेटा बिगेल ओटा कल्चर पॉम। हाँ टॉफी आसो दुटो इन फीमेल। ओए बिगल डॉग भी बहुत ही अच्छा होती है और ये काफ़ी अच्छा है, तो टॉफी तो थोड़ा इसको देख के डर रही है, बट कोई बात नहीं, ये भी थोड़ा डर रही है, तो देखिए अभी तो ये फ़िलहाल आज हम लोगों का घर पे ही रहेगा।
तो टॉफी अभी पत्ता खा रही है और इसको तो जो मिलता है वही खाती है। तो नहीं, इसको फेंको। गुड गर्ल। स्कूबी आए। तो ये वाला बीगल पपी तो नया आया है, इसके लिए बात नहीं समझ पा रहा है, बट टॉफी तो बहुत दिन से है, इसके लिए हम लोगों का बात समझता है। आए 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 आसो टॉफी आए 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 गुड गर्ल टॉफी। स्कूबी ये कमरा बेना চুল কাটছে কেন বাবা এত? তোমার দাঁড়াও তো, কী হয়েছে বাবা? हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों को लगेगा कि उसका गले का जो पट्टा है ना, उसके लिए आप लोगों को लगेगा कि उसके वजह से उसको प्रॉब्लम हो रहा है, बट नहीं, वो बहुत ही ढीला करके बांधा हुआ है और हो सकता है इसका आदत नहीं है तो ऐसा कर रहा है, बट कोई बात नहीं, इससे नहीं लग रहा है। उसके गाँव में थोड़ा खुजली हो रहा है, आई डोंट नो क्यों। तो अभी स्कूबी को या फिर कैंडी, जो भी आप कह सकते हो, इसको पॉटी आया है और देखिए छत पे ही पॉटी कर दे रही है। तो ठीक है, पॉटी करनी अच्छी बात है और ब्लॉग का एंड भी पॉटी से ही हो रहा है, तो सॉरी। तो ठीक है, आज के लिए ब्लॉग इतना ही, देखा होगा नेक्स्ट ब्लॉग पे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।